उमेश सिंह। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बने? नीतीश जी की सरकार बने और बहुत विकास किए हैं। क्या वजह क्या है, क्यों चाहते हैं नीतीश जी की सरकार? नीतीश जी को चाहते हैं कि हर तरह के ये रोड सब, जब उनका सरकार हुआ तो बढ़िया से बना। पटना में एक भी पुल नहीं था, सब ऊपर ऊपर पुल पूरा जाम के चलते बना है और बहुत अच्छा काम किए हैं। 15 बिजली वो सब आती है, 20 घंटा ले बिजली रहती है। कोई पानी स्वास्थ्य सबकी सुविधा मिली हुई है यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से। और रोड तो आप देख ही रहे हैं, आज से ही 15 साल रोड की हालत थी, इतना गड्ढा था यहाँ, जो आदमी को छोड़ दीजिए पशु को चलना मुश्किल था इस रोड पे। अच्छा जी, जब उनकी सरकार आई है तभी जो है ये रोड इतना सुंदर दिखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे प्रदेश में सभी जगह इस तरह के रोड की व्यवस्था हुई है। केवल रोड बने हैं या विकास का कोई और भी काम? विकास का तो यही ना साधन है, रोड है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, हैं तो ये सब जरूर। पिछली सरकार के मुकाबले तो इसमें तो बेहतर व्यवस्था हुई है। बेहतर हुआ है वो हमारे सामने है, ये देख रहे हैं, उससे बेहतर है। जब जहाँ इतना गड्ढा में चलते थे उससे तो ये बेहतर हुआ। ये दावा करते हैं कि उनके शासन का ये सुशासन है, पहले जंगल राज था, तो क्या आपके मन में जंगल राज की कोई स्मृति है, पुरानी ध्यान है? और क्या जंगल राज की स्मृति तो यही है, हम लोग भी उनकी सरकार को देखे हैं कि सुबह से शाम तक केवल अपहरण, रबरी, यही सब तो होता था। पेपर के हर पृष्ठ पर यही न्यूज रहता था केवल, ऐसा नहीं आज भी है, लेकिन उस समय तो एकदम पेपर उठाइए तो लगता था कि बस इसी से छपा हुआ है। आपको कोई वाकया याद है कुछ? बहुत सारा, कितना एक दो गो वहाँ हुआ, इतना 15 साल हो गया, अब इतना याद है आदमी के, लेकिन नहीं याद वाद नहीं, लेकिन काफ़ी उस समय का स्थिति बड़ी भयानक थी। और उद्योग धंधे लगे हैं, आप बीटा में जाइएगा तब 5-7-8 फैक्ट्रियाँ मिलेगी, छोटी छोटी सब, हाँ छोटी बड़ी सब है। और 15 साल का सबसे जीता जागता उद्योग का उदाहरण है, हमारे यहाँ बहुत पुराना एक शुगर मिल था बीटा में, शायद इधर आए होंगे तो आप भी देखे होंगे, आपके स्कूटी में भी होगा। इतना बड़ा शुगर मिल बिहार में एक पीस था, वो शुगर मिल को चौपट कर दिया गया, यहाँ किसान मरने लगे। यहाँ सबसे प्रमुख खेती था गन्ना का, आज यदि गन्ना की खेती होती और शुगर मिल होता तो यहाँ के किसानों की इतनी बदहाली नहीं होती। वो करेंसी क्रॉप था हमारे यहाँ। बना देगा इधर तो सब शुगर मिल बिक बाग गया, सब उनके रिजिम्स में जितना बिहार का शुगर मिल था सब बंद हो गया। हमारे यहाँ इस समय मूंग की खेती होती थी, हम लोग रस उस पी के एकदम मस्त रहते थे, गुड़ गन्ना का रस। जरूर शराबबंदी से हुआ है, हमारे यहाँ जो रोड पर खुले आम दारू पी के गिरे परे चलते थे लोग, आज उस पर तो लगाम लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि शराब बंद हो गया लेकिन शराब का तस्करी शुरू हो गया। तस्करी नॉर्मल बात क्या? बैठिए बैठिए, बताइए आप क्या चाहते हैं प्रदेश में, बिहार में किसकी सरकार? जिसका सरकार बनेगा वही करेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी का सरकार बने, बाकी खाली नीतीश जी का बने, भाजपा से मिला के ना बने। नीतीश जी की सरकार, मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो लेकिन क्या बड़ी वजह क्या है उसको लेके? उनको पर दबाव दिया जाता है, नीतीश जो करना चाहते हैं ना। नीतीश जी की सरकार क्यों बननी चाहिए? वो अच्छा आदमी है। क्या अच्छाई है? अच्छाई है कि सब कुछ जो काम कर रहे हैं बढ़िया से कर रहे हैं, बाकी उनके ऊपर दबाव बना दिया जाता है कि हमारा सहयोग से सरकार बना है, हमारा बात भी रखी है, यही उनमें कमी है।
और चिराग बाबू की क्या स्थिति? अब चिराग बाबू का तो इधर तो कोई बोलबाला नहीं है, नहीं नहीं इधर कोई बोलबाला नहीं है। नीतीश जी का काल और लालू जी का काल आपने दोनों देखे हो, आप इसमें कैसे अंतर करते हैं? भाई काल तो इनका अच्छा है, बाकी कोई रोजी रोजगार किसी को नहीं दिए, ये भी नहीं कोई कंपनी खोले ना कोई काम किए, और काम अच्छा किए हैं, रोड बनवाए या जो कुछ किए हैं अच्छा किए हैं, सड़क बनी है, हाँ सड़क बनी है, बनी है। हाँ हम लोग के गली मोहल्ला में बना है, सब काम ठीक हुआ है। 15 साल पहले तो सब रघुवंश बाबू का तो मंजूर किया हुआ था, बाकी उस समय बना नहीं था, उन्हीं का मंजूर किया था, ये मतलब ये बनवा दिए, बहुत बढ़िया हुआ, सबके सहूलत था। बिजली आती है? बिजली आती है? हाँ बिजली आती है। कितनी देर आती है? तो कभी रेगुलर आता है, कभी थोड़ा बहुत कटता है। हाँ आज भी बिजली 20 घंटा रहती है, बिजली यहाँ 20 घंटा रहती है आज भी। क्राइम की क्या स्थिति है? क्या जी क्राइम? नहीं क्राइम तो कुछ कम है, क्राइम कम है, पब्लिक भी थोड़ा बहुत अपना समझदारी से काम लेने लगा है। आप क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि बिजली 20 घंटा रहती है यहाँ पे। क्राइम की क्या स्थिति है? क्राइम की स्थिति मैंने यहाँ क्राइम नहीं है, क्राइम मुक्त एरिया है ये हमारे यहाँ। अब तब है कि इतनी बड़ी आबादी है, कभी एक आध साल में एक आध कोई ऐसी छोटी मोटी घटना घट गई, लेकिन हमारे यहाँ ये सब क्राइम व्राइम का किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी स्थितियों की बात करें तो पुरानी स्थिति तो यही था कि घर से निकलना मुश्किल था आदमी के। क्या सही कह रहे हैं? हाँ कुछ सही भी कह रहे हैं, क्योंकि हालात तो अभी भी है ऐसा, यही हाल ही तो हुआ है, वो दुकान पर पुलिस का ड्यूटी लगा हुआ था, राम जी का दुकान है हलवाई का, पुलिस का ड्यूटी लगा हुआ था, अनाधुन गोली चल रहा था, अभी फिर एक दिन पेपर में देखे हैं कि कौन साहब का वो उनके यहाँ से कपिला का 2 ठो बोरा ले लिया, अच्छा पैसा मांगने लगे तो 3-4 ठो फायरिंग कर दिया उनके दुकान पर। रंगबाजी गुंडागर्दी जो था वो सब बंद हो गया है, अब वो सब कुछ नहीं है, वो खुलेआम गुंडागर्दी होता था, खुलेआम रंगबाजी होता था, खुलेआम टैक्स लिया जाता था जबरन, वो सब बंद है। जीवनचर्या कैसे सुधरी है? बहुत अच्छा है जीवनचर्या, सब लोग अपना कुछ कुछ काम धंधा कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कमा रहे हैं, रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, कम बेसी सबको अपना सब जी रहे हैं, अमन चैन से सब एक दूसरे से मिले जुले हुए रहते हैं, मिलजुल के जीवन यापन करते हैं सब लोग। घाघ लोग थे ना उनका काम वैसे चल रहा है, मजदूर से 300 पर 400 पर दस्तखत करवा रहे हैं तो उनको 300 देंगे। बाबू जी बड़े नाराज नजर आ रहे हैं मुझे और आप बड़े प्रशंसक नजर आ रहे हैं, इन स्थितियों का सामना नहीं हम चूंकि अभी एट प्रेजेंट जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे यहाँ है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रशंसक बन के नहीं, हम किसी व्यक्ति का प्रशंसक नहीं, ठीक है आज जरूर है कि उनकी सरकार है तो इस श्रेय तो उनको मिलेगी ही, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का प्रशंसक बन के नहीं कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ साधन सुविधा दिया गया है जिसके तहत हम जी रहे हैं, जीवन अलाइव कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि वो सुविधा उनके थ्रू मिली है, उनके सेशन में, उनके रिजम्स में मिली है, तो निश्चित तौर पर उस आदमी को श्रेय मिलेगा।